हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिन एलन और हैरी ब्रूक के T20 इंटरनेशनल कंपटीशन के बारे में। गाइस, तो आप सबको सबसे पहले बता दूं कि फिन एलन भी मात्र 23 साल के हैं और हैरी ब्रूक्स दूसरी ओर भी 23 साल के हैं। गाइस, फिन एलन अभी तक के 19 मैच खेले हैं तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स भी 15 मैच खेल चुके हैं इंग्लैंड की तरफ से। गाइस, फिन एलन को 19 इनिंग में बैटिंग करने का मौका मिला था, दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स को 13 इनिंग में ही बैटिंग करने का मौका मिला। फिन एलन ने इसी दौरान 511 रन बनाए तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स भी 323 रन बना चुके हैं अभी तक। गाइस, इसी दौरान फिन एलन ने 306 गेंदों का सामना किया तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स ने 218 गेंदों का सामना किया। गाइस, तो आपको साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन का हाईएस्ट स्कोर 101 रन रहा जबकि हैरी ब्रूक्स का भी 81 रन रहा, नॉट आउट वो भी। गाइस, इसी दौरान फिन एलन का स्ट्राइक रेट 167 का, जो कि काफी खतरनाक स्ट्राइक रेट माना जा सकता है। दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स भी 148 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन अभी तक के एक बार भी नॉट आउट वापस नहीं गए जबकि हैरी ब्रूक्स 3 बार नॉट आउट जा चुके हैं वापस। गाइस, आपको साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन का बैटिंग एवरेज 27 यानी 27 का लगभग एवरेज है तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स का 32 का लगभग एवरेज है। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन का अभी तक के एक शतक है, दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स का एक भी शतक नहीं है। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन ने अभी तक के T20 में 50 लगाए तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स भी 150 लगा चुके हैं। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन ने T20 इंटरनेशनल मैच में 50 चौके लगाए तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स भी 28 चौके लगा चुके हैं। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन ने अभी तक इंटरनेशनल में 32 छक्के लगा चुके हैं तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स भी 14 छक्के लगा चुके हैं। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि फिन एलन का अभी तक T20 ICC रैंकिंग 30 है तो दूसरी ओर हैरी ब्रूक्स का अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। गाइस, यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी गलती हुआ माफ करें। और कंपैरिजन किस प्लेयर का चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट करके।